हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये लव नेक्स्ट टू का लास्ट एपिसोड का सेकंड पार्ट है। पार्ट के स्टार्टिंग में हम श्योक्वी, श्योंगहू, मोयम और डानहू को कन्वीनियंस स्टोर के बाहर देखते हैं, जहां मोयम उन्हें फेयरवेल पार्टी दे रही थी। तो श्योक्वी उससे कहती है, तुम एक साल के बाद आओगे, तुम्हें बड़ा पार्टी देना चाहिए था। तो मोयम कहती है, मैं एक साल के बाद आकर बड़ा पार्टी दूंगी। वही मोयम के जाने के वजह से श्योक्वी और मोयम इमोशनल होते हैं। नेक्स्ट डे मोयम शॉर्ट पूल के लिए जा रही थी। वही जेशुक और योंडू उसे बाय कहते हैं। वही डानहू उनसे कहता है, मैं मोयम को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ, और वो दोनों एयरपोर्ट के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम श्योक्वी को देखते हैं, जहाँ वो अपनी वीडियोस में कॉमेंट कर रही थी, जहाँ एक लेडी ने कमेंट किया था, मुझे तुम्हारी रेसिपी अच्छी लगी, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी नहीं है उसे बनाकर खाने के लिए। मैं एक दिन तुम्हारे हाथ का खाना टेस्ट करना चाहती हूँ। तो श्योक्वी उस कमेंट में रिप्लाई करते हुए अपने रेस्टोरेंट का नाम लिखती है और कहती है, आप यहाँ आ सकती है मेरे रेसिपी टेस्ट करने के लिए। वही उसके रेस्टोरेंट का नाम उसने रेनबो किचन रखा होता है। अगले सीन में हम श्योक्वी और श्योंगहू को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां वो दोनों प्लेटें साफ कर रही थी। वही वहां ग्योंगशिक और मिशुक आती है और वो दोनों रेस्टोरेंट देखने लगते हैं। फिर श्योंगहू उनके लिए कॉफी बनाता है। वही मिशुक श्योक्वी से पूछती है, क्या तुम अकेले रेस्टोरेंट संभाल पाओगी? तो श्योक्वी कहती है, मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ। फिर वो ग्योंगशिक से कहती है, क्या आप मेरे एडवाइजर बन सकते हो? तो ग्योंगशिक मना करता है और कहता है, मैं फिर से ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो श्योक्वी कहती है, आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ एडवाइजर बनना है। तो ग्योंगशिक मान जाता है। उसके बाद हम श्योक्वी और श्योंगहू को श्योंगहू के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ श्योक्वी कोडिंग का काम कर रही थी। तो श्योंगहू श्योक्वी से कहता है, आज तो तुम ऑफिस वर्कर लग रही हो, क्या तुम्हें याद तो है ना आज हमें क्या करना है? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, जहाँ श्योक्वी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी और वो श्योंगहू से पूछती है, मैं कैसे लग रही हूँ? पहले श्योंगहू कुछ नहीं बोल रहा था, फिर वो कहता है, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो और अब तुम इसमें मेरे हेडलॉक भी नहीं कर सकती हो। तो श्योक्वी कहती है, मेरे पास आओ। तो श्योंगहू उसके पास जाता है। तो श्योक्वी उसे गर्दन से पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकती हूँ? तो श्योंगहू कहता है, तुम अभी वेडिंग ड्रेस में हो, क्या तुम अभी भी ये करोगी? तो श्योक्वी हंसती है और वो उसे किस करती है। नेक्स्ट सीन में हम हेशुक को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, जहाँ उसके पास श्योंगहू और ग्योंगजुन आता है और ग्योंगजुन हेशुक को देखकर देखता ही रह जाता है और वो उसकी तारीफ करता है। फिर वहाँ श्योक्वी आती है और वो हेशुक से कहती है, आप बहुत सुंदर लग रही है। तब हेशुक कहती है, ये तुम्हारी वजह से है कि मैं ड्रेस फिर से पहन पाई हूँ। और यहाँ हमें उसी सीन को दिखाया जाता है, जहाँ श्योक्वी ने श्योंगहू का हेडलॉक किया था। श्योक्वी उसे छोटी है। तो श्योंगहू कहता है, अब से मुझे जिंदगी भर ऐसे ही सहना पड़ेगा। तो श्योक्वी कहती है, क्या हम हमारी शादी को एक साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं? तो श्योंगहू पूछता है, क्यों? तो श्योक्वी कहती है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे मेरे रेस्टोरेंट को सेटअप भी करना है, साथ ही मोयम भी अभी मेरी शादी अटेंड नहीं कर पाएगी, और हमने जो 30 साल का रोमांस मिस किया है वो एक साल में फुलफिल करना है। तो श्योंगहू अपसेट होता है, लेकिन वो मान भी चाहता है और वह कहता है, अब मुझे तुम्हें इस ड्रेस में देखने के लिए एक साल वेट करना होगा। तो श्योक्वी कहती है, कोई और है जो इस ड्रेस में और ज्यादा सुंदर लगेगी। यहाँ श्योक्वी हेशु की बात कर रही थी। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम देखते हैं हेशुक और ग्योंगजुन एक साथ फोटो क्लिक कर रहे थे। बाद में वो दोनों श्योंगहू को बुलाते हैं और वो तीनों फोटो क्लिक करते हैं। तो श्योंगहू कहता है, अब हमारे पास भी फैमिली फोटो है। तो हेशुक कहती है, अभी तक नहीं, और वो श्योक्वी को बुलाती है
और कहती है, चलो एक साथ फोटो खींचते हैं, अब तुम भी हमारी फैमिली हो। और वो चारों एक साथ फोटो खींचते हैं। फिर वहां मीशु, चेशुक और इंशुक आती है। यहाँ इन तीनों ने लेवेंडर कलर का ड्रेस पहना था एज अ ब्राइट मेड। और वो चारों एक साथ फोटो खींचते हैं। बाद में अंदर से श्योगी और श्योमू उन्हें देख रहे थे, जहाँ श्योगी कहती है, ये 57 साल के नहीं लग रहे हैं, ये इतने खुश हैं। तो श्योमू उसे थैंक यू कहता है और कहता है, तुम्हारे बिना ये मैं कभी नहीं कर पाता। तो श्योगी कहती है, बेटे कभी भी अपनी मॉम को समझ नहीं पाते हैं। वैसे तुम मेरे पीछे यहाँ क्यों आए, तुम्हें अपनी मॉम के साथ होना चाहिए था। तो श्योंगू कहता है, अब तक मैं मॉम का बेटा था, लेकिन अब मेरी पारी है तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने का। और वो उसे हग करते हुए कहता है, 20 साल के रोमांस को पूरा करने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। और वो दोनों किस करते हैं। फिर श्योंगू कहता है, हम भी 30 साल के बाद ऐसे ही फोटोज खींचेंगे। तो श्योगी हाँ कहती है और वो दोनों हग करते हुए अपनी फैमिली को देखते हैं। उसके बाद हमें 10 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम मीशु, हेशुक, जेशुक और इंशुक को पार्क में एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। और यहाँ इस पर एपिसोड 1 के तरह मीशुक और हेशुक श्योंगू और श्योगी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन इस बार मीशुक श्योंगू का कर रही थी और हेशुक श्योगी का। यहाँ मीशुक कहती है, श्योंगू अब इस टाउन का बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बन गया है। तब हेशुक कहती है, श्योगी को भी 6 महीने में अपने रेस्टोरेंट के ऑरेंज रिबन मिल गया है और उसका रेस्टोरेंट अब बहुत फेमस हो गया है। तो मीशुक कहती है, ये जो स्कार्फ है वो मेरे लिए श्योंगू लेकर आया था जब वो बिजनेस ट्रिप में गया था। तब हेशुक अपना लिपस्टिक दिखाते हुए कहती है, ये लिपस्टिक सेट मुझे श्योगी ने शोज करके दिया था। विशेषुक कहती है, योंडू को किंडरगार्टन की कोडिंग कंपटीशन में अवार्ड मिला है और वो कह रही थी कि वो नाशा के लिए काम करना चाहती है, जो सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। वही हम डोंगजिन को देखते हैं, वो अब पर्सनल ट्रेनर बन गया था और वो ना उनको ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वही हम ग्योंगशिक और ग्योंगजुन को एक साथ देखते हैं, जहाँ वो दोनों बैडमिंटन खेल रहे थे। यहाँ अब ये दोनों एक साथ ज्यादा समय स्पेंड करते हैं। वही हम मोयम को देखते हैं, वो साउथ पोल में मीटिंग खत्म करके योंडू को कॉल करती है। वही योंडू और डानू मोयम के रूम में होते हैं और योंडू कहती है, मैं यही रहती हूँ, कल तो मैं ग्रैंडमॉम के साथ सोई थी। तो डानू कहता है, उनका कहना है कि अलग अलग घर में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मोयम कहती है, तुम लोग मेरे बिना ही रियल फैमिली बन गए हो और मैं यहाँ तुम सभी को मिस कर रही हूँ। तो योंडू कहती है, इसलिए मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट भेजने वाली हूँ और वो डैड है। तब डानू बताता है, मैं अगले महीने तुमसे मिलने साउथ पोल आ रहा हूँ, मुझे वहाँ आर्टिकल लिखने का परमिशन मिल गया है, जो सुनकर मोयम बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम श्योगी को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं, जो अपने कस्टमर से बात कर रही थी और वो उन्हें अपना रेसिपी भी देती है। वही हम श्योंगू को देखते हैं, वो अपने और श्योगी का ड्रीम हाउस डिजाइन कर रहा था। तभी म्योंगू उसके पास आता है और वो पूछता है, तुम मेरा घर कब डिजाइन करोगे, तुमने ये करने का प्रॉमिस किया था ना। तो श्योंगू कहता है, वो भी करूंगा, लेकिन अभी मैं अपना घर डिजाइन कर रहा हूँ, तुम इसमें मेरी हेल्प करो, वैसे भी मेरी शादी जल्दी ही होने वाली है। उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं, जहाँ मीशुक, हेशुक, इंशुक और जेशुक होती है। हेशुक ने अपने 30 साल की लाइफ के ऊपर बुक लिखा था जिसे वो पब्लिश करने वाली थी। वही मीशुक फेरी टेल स्टोरी सुनाने का क्लास शुरू करने वाली थी। उसके बाद हम श्योगी को देखते हैं, जहाँ वो अपनी वीडियो में कमेंट कर रही थी, जहाँ वो उस लड़की का कमेंट पढ़ती है जो बीमार होने की वजह से श्योगी का रेसिपी नहीं बना पा रही थी। उसने कमेंट किया था, आज मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में आई थी और मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा, मैं रेसिपी लेते समय तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे शर्म आई इसलिए मैं नहीं बता पाई। जो पढ़कर श्योगी बहुत इमोशनल होती है।
फिर उसे याद आता है वो श्योंग से मिलने जाने वाली थी। वो भाग कर श्योंग से मिलने जाती है और वो उसे वेट कराने के लिए सॉरी कहती है। तो श्योंग कहता है, तुम पहले से बहुत चेंज हो गई हो, तुम्हें पता था ना आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है, हमें हमारा घर देखने जाना था। तो श्योंग कहती है, तुम अकेले भी जा सकते थे, वैसे भी मेरा वहां कोई भी काम नहीं था। तो श्योंग कहता है, क्या ये घर तुम्हारे लिए कोई मायना नहीं रखता है? तो श्योंग कहती है, ऐसी बात नहीं है। फिर श्योंग कहता है, हम फाइट कर रहे हैं, चलो हम कुछ रूल बनाते हैं। तो श्योंग कहती है, जब भी हम आर्ग्यूमेंट करेंगे तब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। फिर श्योंग कहती है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम एक दूसरे को हनी कहेंगे। तो श्योंग ओके कहता है और वो दोनों बात करते हुए जाने लगते हैं। जहाँ श्योंग कहती है, हमारे घर में दो बेड होगा। तो श्योंग कहता है, नहीं हमारे घर में एक ही बेड होगा, जो भी हो जाए झगड़ा ही हो जाए हम दोनों उसी बेड में सोएंगे। और ऐसे ही उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तो श्योंग कहती है, मैं हमारा घर देखना चाहती हूँ। और वो कॉन्ट्रेक्टर को कॉल करने कहती है। तो श्योंग कॉल करके बताता है, हम घर देखने आ रहे हैं। और ऐसे ही दोनों हैप्पीली घर देखने जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ड्रामा लव नेक्स्ट डोर एंड होता है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और जल्दी ही मैं एक नए ड्रामा की इस एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।